हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंद्राक्षिता व्लॉग्स। आज हम आपको साबूदाने की खीर बनाना सिखाएंगे। इसे आप व्रत में भी बना सकते हैं या फिर आप इसको बिना व्रत में भी बना सकते हैं। जब भी आपका मन हो आप इसे कैसे भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट लाइक ऑन आवर फेसबुक पेज इंद्राक्षिता व्लॉग्स and press on the notification bell for our further updates। इसके लिए चाहिए साबूदाना, जो हमने इस बोल का एक फुल बोल ले लिया था, जो आप साइज देख सकते हैं, जिसमें हमने अपनी शुगर क्रिस्टल्स रखे हैं, उस बोल का हमने एक फुल बोल साबूदाना लेकर और उसे 5 से 6 घंटे भीगने के रख दिया था भीगने के लिए। और अब ये आप देख सकते हैं कि ये स्वेल हो गया है। और हमने ये ली है 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अपनी प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमने 1 लीटर दूध गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम अपने आगे की प्रक्रिया अब शुरू करेंगे। इससे आगे के लिए हमने एक कंटेनर में 1 कप पानी डाल लिया है। उसमें हम अपने साबूदाना को डाल देंगे। चलाएंगे और बॉईल होने देंगे। इसे हम कॉन्स्टेंटली चलाते रहे हैं। आप इसे देख रहे हैं, हम इसे चला रहे हैं। अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये चिपकने लगता है, इसलिए आपको इसे चलाते रहना है जब तक ये पक ना जाए। साबूदाना पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध को ऐड करेंगे, जो हम इतने देर से उसे जिसे गाढ़ा कर रहे थे उसे हम इसमें ऐड करके अच्छे से चलाएंगे। गैस को फुल मोड में ऑन करके इसे पकने दें थोड़ी देर और फिर उसे स्लो मोड पे कर दें। आप देख सकते हैं कि खीर पूरी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। दूध जो हमने ऑलरेडी गाढ़ा कर लिया था उसके बाद हमने जब साबूदाना मिलाया तो उससे उसकी जो गाढ़े करने की शक्ति थी, क्षमता थी, वो और भी बढ़ गई है। अब देखा आपने कि हमने इसमें चीनी डाली और इसमें हम इलायची पाउडर और सैफरन डालेंगे। इसमें केसर के धागे डाले हैं हमने इसमें। ये आपको अगर डालने हैं तो आप डालिए, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि इनको डालना ही है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसको हम उबालेंगे। खीर पूरी तरह से पक चुकी है। अब हम गैस स्विच ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। आप इसमें कोई भी मेवे डाल सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपका मन हो। और नहीं भी मन तो भी आप बिना कुछ डाले खा सकते हैं। ऐसे हमने खीर को सर्व कर लिया है कुछ मेवों से। अब आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं और खा सकते हैं इसे।